गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। अब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व वैसे आप जानते होंगे क्योंकि पिछली क्लास में आपने इसके बारे में पीरियोडिक टेबल आवर सारणी का अध्ययन किया था। आवर सारणी का कुछ डायग्राम ऐसा है, आपने देखा होगा। कुछ इस तरीके से यहां पे ये जो है एस ब्लॉक तत्व हैं। पहले दो वर्ग जो हैं एस ब्लॉक में हैं, ये एस ब्लॉक है। और यहां पे जो है पी ब्लॉक है। और इन दोनों ब्लॉक के बीच में ये जो है ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो कि ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर तक, यानी टोटल 10 वर्ग हैं इसमें डी ब्लॉक में। और इसके आवर्त की अगर बात करें डी ब्लॉक के तत्वों के आवर्त में, तो एक आवर्त ये है फर्स्ट, एक आवर्त ये है, एक ये और एक ये, यानी कि ये आपका स्टार्ट होता है तीसरे आवर्त से। ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा आवर्त है। तो इसमें जो है ये तीसरी आवर्त के जो है ये, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं 3D श्रेणी, ये 4D श्रेणी हो जाएगा, ये 5D श्रेणी हो जाएगा और ये 6D श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नीचे यहां पे अलग से दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी का नाम है 4F श्रेणी और दूसरी का 5F श्रेणी। ये F ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इसको लेंथेनाइड बोलते हैं, लेंथेनाइड, और ये एक्टिनाइड है। अब जैसा कि आपको पता है इसमें भी बहुत सारे तत्व आते हैं, बहुत सारी श्रेणियां हैं, इसमें भी बहुत सारे तत्व हैं, दो श्रेणियां हैं, तो इन सभी का अध्ययन हम एक ही क्लास में नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हम कुछ इनकी जो भौतिक जो गुणधर्म है उनके अलावा जो मुख्य रासायनिक या उपयोग जो है रासायनिक गुणधर्म या उपयोग उनकी बात करेंगे। और डी ब्लॉक में केवल एक ही सीरीज 3D श्रेणी की बात करेंगे अपन यहां पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक तत्व। कौन कौन से डी ब्लॉक तत्व है, इनके गुणधर्म क्या क्या है। तो डी ब्लॉक इलेमेंट कहते किसे है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आता है। तो जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इसको हम जो है, मैंने कहा इसको 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज में डिवाइड किया गया है, श्रेणी में बांटा गया है। तो जो 3D है, 3D श्रेणी, और इस श्रेणी के अंदर इसका n इजिकल टू इसमें 4 होता है। इसमें आपके तत्व आते हैं SC स्कैंडियम, जो कि 21 नंबर पे है, Ti, Vcr, Mn, Fe, CO cobalt, Ni, Cu and Zn, ये 30 नंबर का तत्व है Zn। तो 21 से 30 10 तत्व ये आते हैं इसमें, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28 और 29 एंड 30। फिर है 4D श्रेणी जिसमें n इज इक्वल टू 5 होता है। इसमें जो 10 तत्व हैं वो हैं y, ZR, NB, MO, TC, RU, PD, RH, RH, PD, AG एंड CD। ये आपके तत्व स्टार्ट होते हैं 39 परमाणु क्रमांक से 48 तक। 5D सीरीज में आपका आएगा n इज इक्वल टू 6 होता है इसके लिए, और ये स्टार्ट होता है 57 से, LA 57। परंतु इसके बी एल ए के बाद जो 14 तत्व हैं वो लेंथेनाइड में आते हैं 58 से 71 तक, लेंथेनाइड सीरीज में यहां से निकले हुए हैं। तो फिर 72 से स्टार्ट होगा ये आगे, F 72, TA 73, W, RE, OS, IR, PT प्लेटिनम, AU गोल्ड, HG मर्करी। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80 मर्करी। 6D जो सीरीज है उसके अंदर n इज इक्वल टू 7 होता है, और ये स्टार्ट होता है एक्टिनियम से, AC जिसका परमाणु क्रमांक 89 है। उसके आगे के जो 14 तत्व हैं एक्टिनाइड श्रेणी F ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं, 90 से लेकर 103 तक 14 तत्व। तो फिर यहां पे 104 स्टार्ट होता है, RF, DB 105, SG 106, BH, HS, MT, DS, RG, N 107, 108, 109, 110 और 111 और 112, 112 तक। क्लियर, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। और हम इस चैप्टर में इस 3D श्रेणी की बात करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक 21 से लेकर 30। सामान्य गुणधर्म तो सभी पूरे डी ब्लॉक के तत्व का भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे हम, लेकिन जो है फोकस हमारा यहां रहेगा स्कैंडियम से जिंक तक। इस डी ब्लॉक के अंदर सर्वाधिक महंगी धातुएं मौजूद हैं, सर्वाधिक जो महंगी धातु है वो डी ब्लॉक के अंदर उपस्थित है। अब आपके ख्याल से आपको लग रहा होगा कि कौन सी ऐसी, तो देखिए सोना, AU सोना है, गोल्ड, और ये PD पैलेडियम है। पहले सोना सबसे महंगा था, लेकिन अभी हाल ही में जो है पैलेडियम सबसे नंबर सबसे महंगे धातु हो गई, ये फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे सोना है। ठीक है, इस पैलेडियम की पैलेडियम जो धातु है ये बहुत महंगी धातु है, और जनरली इसको उत्प्रेरक और औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। इसकी चमक जो है चांदी जैसी होती है, प्लेटिनम की तरह ये सॉफ्ट होती है, प्लेटिनम की तरह चमक चांदी जैसी पैलेडियम धातु की। इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे भारी धातु भी मौजूद है, ओएस, ऑस्मियम सबसे भारी।
तो ये डी ब्लॉक के तत्व थे। अब हम इनके कुछ गुणधर्मों की बात करेंगे। उससे पहले भौतिक गुणधर्मों की तरफ चलने से पहले हम इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, जिनमें आपका आता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। आपसे पूछ ले संक्रमण तत्व किसने कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्यों कहते हैं इनको, यह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इनका आंतरिक डी कक्षक, इनका डी कक्षक जो है डी कक्षक अपूर्ण होता है, अपूर्ण भरा हुआ रहता है, भरा हुआ, अपूर्ण भरा हुआ आंतरिक डी कक्षक। यहां डी कक्षक के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट भरा हुआ नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूं, वैनेडियम का 23 नंबर पे जो है इसका एग्जांपल लेता हूं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब मैं लिखूंगा 23 नंबर वैनेडियम का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, दो कंप्लीट, उसके बाद में बाकी के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे 3d3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डी कक्षक में आता है, इसलिए डी ब्लॉक का है। एंड इसका जो डी कक्षक है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं भरे हुए इलेक्ट्रॉन इसमें 10 नहीं है, 3 ही भरे हुए हैं, किसी में 4 होंगे, किसी में 5, किसी में 6। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे कि Zn 30 नंबर पे है, ये रहा Zn, ये 12वां वर्ग जो है, ये 12वें वर्ग के तत्व है, यहां पे आते हैं Zn Cd और Hg। ये रहा Cd 48 नंबर पे, ये रहा एच जी 80 नंबर पे, तो सीडी 48 एंड एच जी मरकरी 80। ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते, क्योंकि इनका आंतरिक डी कक्षक, जैसे मैं यहां पे जेड एन का बना रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, इसका डी कक्षक कंप्लीट भरा हुआ रहता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं Zn Cd और Hg में, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं, ये सब आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, वीडियो मैंने बना रखा है, वहां पे सर्च कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से, तो वहां पे पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। पिछली क्लास में भी इसकी बात की थी क्योंकि वहां पे टॉपिक था। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डी ब्लॉक के जो तत्व है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन क्या होता है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोष से निकाला जाता है, ये जो बाह्यतम कोष से इससे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो यहां पे जो ये एस के आगे जो नंबर लगा हुआ है 4s, देखिए यहां पे 4n बराबर 4 n बराबर 5 6 7 है, तो ये 4n लिख देंगे अपन ns। अब s के अंदर 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 1 2, एंड इससे पहले क्या है डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल का नंबर आप देखो यहां पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यहां पे क्या है 4 है, 4 में से एक माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब n माइनस 1 करेंगे तो डी ऑर्बिटल की संख्या आएगी। क्लियर? और इस डी ऑर्बिटल के अंदर डी कक्षक के अंदर जो है 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे यहां पे 3 है, यहां पे 10 है, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, यहां पे 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, 7, 8, ऐसे कुछ है, क्रोमियम और कॉपर कुछ जो है अपवाद है। तो यहां पे 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया n माइनस 1d, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन, और ns 1 से 2, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्लियर? अगर इस सीरीज में बात करें 21 से लेकर 30 तक की जो सीरीज है, इसके अंदर क्रोमियम, ये आपका क्रोमियम है 24 नंबर पे, और ये कॉपर है 29 नंबर पे, तो 24 नंबर पे क्रोमियम और 29 नंबर पे कॉपर, इनका ये जो तत्व है आबव नियम की पालना नहीं करते हैं, इसलिए इसमें जो एस कक्षक होता है वो आधा भरा हुआ रहता है और बाकी के इलेक्ट्रॉन डी में आ जाते हैं, मतलब कि ऐसे
इसका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा एन माइनस, डायरेक्ट एन की जगह नंबर ही लिख देता हूं मैं, 3d और 4s1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है s के अंदर, आधा भरा हो रहता है, बाकी के इलेक्ट्रॉन यहां पे आते हैं, ठीक है। यहां पे 5 आ जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर ये देखो, 2 2 4 6 10 12 18 18 1 19 और 5 24। कॉपर के अंदर भी ऐसा ही होता है, यहां पे 3d 4s1, ये अपवाद है दोनों इस सीरीज में, अभाव नियम की पालना नहीं करते हैं ये। तो कॉपर के अंदर भी 3d10 आ जाता है यहां पे, और ये 4s1 हाफ, आधा भरा हुआ रहता है ये s कक्षक, ठीक है। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे, भौतिक गुणधर्मों को।